ये दूसरा क्वेश्चन उसी सीरीज का है। हम लोग जो जियोलाइट प्रोसेस देख रहे थे तो उसी सीरीज का ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले ये जानना होता है कि जो भी NaCl का अमाउंट लगता है वो हमेशा हार्डनेस के बराबर आता है। तो ये पहली पॉइंट समझनी होती है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो NaCl का अमाउंट आता है उसको बदलना होता है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में। तो ये दो काम करने होते हैं। ये बेसिक स्टेप सब में कॉमन है अगर आप जियोलाइट के क्वेश्चन लगाते हैं तो इसमें भी ये कोई ये चीज़ कॉमन होगा। तो क्या कॉमन होने वाला है जब देखते हैं इस बात को, तो देखिए जरा सा क्वेश्चन में देख लेते हैं। अ जियोलाइट सॉफ्टेनर वॉज कंप्लीटेड एग्जॉस्टेड एंड देन रीजनरेटेड बाई पासिंग 200 लीटर ऑफ NaCl सोल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम पर लीटर ऑफ NaCl। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सैंपल वॉज सैंपल ऑफ वाटर ऑफ हार्डनेस 500 ppm कैन बी सॉफ्टेंड बाई द सॉफ्टेनर। ये क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि एक जियोलाइट सॉफ्टेनर जो है ये कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया है, काम करना बंद कर दिया है, और उसको रीजनरेट कैसे कर रहे हैं। तो 200 लीटर NaCl का सोल्यूशन लिया जा रहा है और वो जो 200 लीटर का NaCl सोल्यूशन है उसमें NaCl जो है वो 100 ग्राम पर लीटर है। ओके, तो ये कह रहा है। और कह रहा है कि भाई अगर फिर से ये रीजनरेट हो जा रहा है तो कितने लीटर पानी को हम सॉफ्ट कर पाएंगे। अगर उस पानी की हार्डनेस कितना है, 500 ppm है, यानी 500 मिलीग्राम पर लीटर है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले निकालिए कि कितना NaCl लग रहा है, ये निकाल लीजिए। जितना NaCl लगेगा उसको बदल लीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में, उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, उतना हार्डनेस को ये दूर कर सकता है, उतने के बराबर हार्डनेस को दूर कर पाएगा। और आपकी हार्डनेस कितनी है, 50 है, तो उसके हिसाब से काम कर लिया जाएगा। तो करते हैं पहले, तो सबसे पहले देखिए कि 200 लीटर में NaCl का अमाउंट कितना है। तो पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, इससे लिखते हैं, इसी से लिखते हैं। देखिए 200 लीटर ऑफ NaCl ये बराबर कितने अमाउंट की हो रहा है, तो ये 200 लीटर है मल्टीप्लाई बाई 100 ग्राम पर लीटर। तो लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी ग्राम में आंसर आएगा। इतना ग्राम ऑफ NaCl सोल्यूशन, इतना NaCl लग रहा है, NaCl सोल्यूशन। ये मैंने अभी फैक्टर रख करके रखा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में मैंने ऐसा किया हुआ था। इस फैक्टर से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको कैल्शियम कार्बोनेट में। तो पिछले वाले क्वेश्चन जो बच्चे नहीं देखे हैं वो देख लें पहले। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 200 × 100, इतना क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, इतना ग्राम ऑफ NaCl आ जाएगा, NaCl सॉल्यूशन। तो ये अमाउंट आपके पास आ गया है। अब इस अमाउंट को ही x माना जाता है, तो इसको बदल लीजिए। तो ये हो जाएगा 200 × 100 × 100, देखिए ये 100 ये, एंड डिवाइडेड बाय 58.5 × 2। इतना ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस के बराबर। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू मेरे पास कैलकुलेटेड होगा, तो ये वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वैल्यू हो जा रही है आपकी कितनी, तो ये वैल्यू हो जा रही है 17094 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस के बराबर। तो ये इतनी वैल्यू आ जा रही है, यानी इतना जो है इसको पानी को ये साफ कर सकता है, इतनी के बराबर हार्डनेस को ये दूर कर सकता है, लेकिन ये ग्राम में भी है ऐसा। अच्छा, अब देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 500 ppm का मतलब, ये 500 ppm का मतलब क्या है, इसका मतलब ये 500 मिलीग्राम पर लीटर कह रहा है, ऐसा कह रहा है, यही ना। तो आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे है भाई, वो है आपका 500 मिलीग्राम ऑफ हार्डनेस कितने में है, 1 लीटर में है, 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर। यही तो कह रहा है यहां पे कि भाई 500 मिलीग्राम ऑफ हार्डनेस कितने में, 1 लीटर में है। तो 1 मिलीग्राम कितने में होगा,
यानी 1/500 के बराबर होगा, यही ना भाई। अच्छा, अगर इतने को हम कर सकते हैं तो इतना बराबर कितने लीटर का होगा, यानी अगर इतना 4, अच्छा ये देखिए ग्राम में तो मिलीग्राम में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10^3 कर देते हैं यहीं पे, 10^3, तो इतना मिलीग्राम, इतना मिलीग्राम ऑफ हार्डनेस, यस, तो ये बराबर हो जाएगा 1/500 मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 17094 × 1000, 10^3 का मतलब 1000 हो गया, दो जीरो से जीरो इससे कैंसिल कर दे रहे हैं, जो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और सीधा सीधा मैं आंसर लिख देता हूँ कितना लीटर, ये लीटर में आएगा, उतना लीटर हार्ड वाटर को ये कर लेगा, तो ये आंसर आ रहा है, मैच कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, 34188 लीटर ऑफ हार्ड वाटर, ये इसका आंसर आ रहा है, ऐसा इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर है, लगाने का तरीका बिल्कुल जैसे पहले कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, आगे जो तीसरा प्रोसेस है वो देख लेते हैं इसी में। तो वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने का ये तीसरा प्रोसेस है, तीन प्रोसेस कौन कौन से हैं, तो पहला प्रोसेस आपने देखा है लाइम सोडा, दूसरा देखा जियोलाइट प्रोसेस इससे पहले वाली क्लास में, और ये तीसरा प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर पूछना होता है लिखने के लिए पूछना होता है तो ये तीसरा प्रोसेस ही अक्सर पूछा जाता है। क्यों प्रोसेस पूछा जा रहा है, क्योंकि एडवांस है और अभी भी इस्तेमाल में है, जियोलाइट भी इस्तेमाल में और ये भी इस्तेमाल में है, तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं इस्तेमाल में हैं, मतलब फैक्ट्रीज में इसका रेगुलर यूज़ हो रहा है, तो ये दोनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, उन दोनों में से ये प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, पहले ये बात समझ लीजिए, तब इसके फिगर को देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब देखिए इससे पहले का जो प्रोसेस था जियोलाइट प्रोसेस, तो जियोलाइट प्रोसेस में क्या हो रहा था कि जियोलाइट प्रोसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हम जियोलाइट को देखिए रिप्रेजेंट कर रहे थे Na2Z से, और ये रिएक्शन किसके साथ करता था, ये रिएक्शन मान लीजिए किया कैल्शियम सल्फेट के साथ, सपोज पिछले वाली क्लास में हमने देखा होगा, तो क्या बन जाता था, ये बन जाता था कैल्शियम का जियोलाइट, और साथ ही साथ क्या बनता था, साथ ही साथ बनता था सोडियम का सल्फेट, ऐसा। तो ये तो जियोलाइट के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम रुक जाता है, लेकिन पानी के अंदर देखिए अभी भी क्या पहुंच जाता है, सल्फेट आयन, ऐसे। और इसी तरह मान लीजिए अगर जियोलाइट का रिएक्शन किसके साथ कर दें, अगर मान लीजिए MgCl2 के साथ कर दें, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, तो यहां पर तो MgZ बनेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या बन जाएगा, देखिए NaCl बन जाएगा, तो यानी जो Cl है क्लोराइड आयन भी पहुंच जाएगा पानी में। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो हार्डनेस क्रिएट करने वाले केटायन है वो तो पानी में नहीं है, लेकिन जो एनायन है ये पानी में अभी भी मौजूद है। तो अब जो प्रोसेस आने वाला है, ये प्रोसेस क्या करेगा, ये केटायन को भी दूर करेगा और एनायन को भी दूर करेगा, मतलब इस प्रोसेस की सहायता से पानी में उपस्थित ये केटायन भी निकल जाएंगे और साथ ही साथ जो एनायन है ये भी निकल जाएगा। इसलिए प्रोसेस का नाम है डी आयोनाइजेशन प्रोसेस, मतलब कोई आयन नहीं रहेगा, डी का मतलब अलग होना, या डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस मतलब कोई मिनरल भी नहीं रह पाएगा, तो पानी बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी आयोनाइज्ड हो जाएगा और डी मिनरलाइज्ड हो जाएगा। तो प्रोसेस का नाम है आयन एक्सचेंज मेथड अथवा डी आयोनाइजेशन प्रोसेस अथवा डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके पीछे का यही थीम है कि जियोलाइट प्रोसेस के बाद इस प्रोसेस की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो एनायंस हैं इनको भी पानी से अलग करना है, तो एनायंस और केटायन दोनों ही पानी से यहां पर अलग हो जाएंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में, देखिए यहां पे, ये तो मैंने आपको बताया आवश्यकता क्यों है इसकी, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यहां पे ऑर्गेनिक रेजिन्स का यूज करते हैं, ऑर्गेनिक रेजिन ये यूज करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक रेजिन कैसे, ये माइक्रोपोरस हैं, माइक्रोपोरस हैं ऐसा, और साथ ही साथ क्या है,
स्ट्रक्चर में ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ये पॉलीमर है, तो पॉलीमर है। और पॉलीमर होने के साथ साथ कैसे पॉलीमर है, तो ये ब्रांच्ड, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है। ये खूबियां हैं। जो रेजिन यहां इस्तेमाल किया जाएगा वो रेजिन कैसा होगा, वो ऑर्गेनिक नेचर का है और साथ ही साथ पॉलीमर है, कैसा पॉलीमर है, ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड पॉलीमर ये होते हैं। अब देखिए होता प्रोसेस समझ लीजिए यहां पे, तब रिएक्शन को देखते हैं। सॉरी प्रोसेस समझते हैं। तो देखिए इस बार यहां पे दो टैंक लिए जाएंगे ऐसे, ये पहला टैंक है और ये दूसरा टैंक है। देखिए जो पहला टैंक है, इस पहले टैंक में क्या करेंगे हम, जो रेजिन रखेंगे उसका नाम होगा केटायन एक्सचेंजर रेजिन। यानी रेजिन यहां पे दो प्रकार के हैं, एक केटायन एक्सचेंजर, एक एनायन एक्सचेंजर। तो पहले टैंक में रखेंगे केटायन एक्सचेंजर। जो दूसरा टैंक है, ये देखिए दूसरा टैंक है, इस टैंक में क्या रखेंगे आप, एनायन एक्सचेंजर रेजिन को रखेंगे। तो पहले टैंक में केटायन एक्सचेंजर और दूसरे में एनायन एक्सचेंजर, मतलब ये केटायन को एक्सचेंज करेगा और ये एनायन को एक्सचेंज करेगा। तो ये दो को टैंक रखने हैं। और लास्ट में एक डी गैसीफायर है, मतलब डी गैसीफायर का मतलब ये गैसेस जो प्रेजेंट होंगी पानी में उसको भी रिमूव करेगा। दो टैंक और यहां पे देखिए, एक नंबर टैंक में कर दे रहा, दो नंबर देखिए, दो टैंक और हैं ऐसे। ये दोनों टैंक रीजनरेट करेंगे किसको, केटायन एक्सचेंजर रेजिन को ये रीजनरेट करेगा और एनायन एक्सचेंज रेजिन को ये रीजनरेट करेगा। तो रीजनरेट के लिए क्या ये दो अलग अलग टैंक यहां लगाए गए हैं। तो ये दो टैंक का क्या काम है, रीजनरेट करना। तो पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हार्ड वाटर को यहां से इस टैंक में लाया जाएगा। तो जब इस टैंक में ये पहुंचेगा तो यहां पर केटायन एक्सचेंजर रेजिन है, तो ये क्या करेगा, पानी के अंदर हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के अंदर जितना भी कैल्शियम आयन है और जितना भी मैग्नीशियम आयन है उसको एक्सचेंज कर देगा। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन यहीं पर रुक जाएंगे इस जगह पर। बात क्लियर हो रही है, ठीक। तो यहां पर इसको रोक लिया जाएगा। अब पानी आगे बढ़ेगा, पानी में अभी भी क्या है, अभी भी जो है एनायंस मौजूद हैं। तो उन एनायंस को क्या किया जाएगा, इस टैंक में क्या किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा। यानी यहां पर एनायन को भी एक्सचेंज कर लेंगे। तो देखिए केटायन यहां पर एक्सचेंज हो गया और एनायन यहां पर। तो अब जो पानी यहां से जाएगा उसमें ना तो कोई केटायन बचेगा और ना तो कोई एनायन बचेगा। लेकिन इस रीजनरेशन की प्रोसेस में क्या हो रहे हैं, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यहां पर जो आयंस मौजूद हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। उनको फिर से रीजनरेट करने के लिए क्या लगाया गया है, रीजनरेशन टैंक। ऐसे ही यहां पर भी रीजनरेशन टैंक लगाया गया है कि अगर यहां के आयंस कंज्यूम हो जाएंगे तो उसको दोबारा रीजनरेट कैसे किया जाएगा। तो यहां पर जो टैंक है उसको लिए हम एसिड लेते हैं, तो लिखा है एसिड फॉर रीजनरेशन, यानी एसिड टैंक है। और यहां पर जो टैंक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एल्कली टैंक है, मतलब उसमें एल्कली रखा गया है। तो यहां लिखा गया एल्कली फॉर रीजनरेशन, यानी यहां एल्कली जो है यहां भेजा जाएगा। अब प्रोसेस क्या है, रिएक्शन क्या होता है, इस बात को समझते हैं। तो देखिए प्रोसेस क्या है, क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इस बात को समझते हैं। यहां देखिए, अब देखिए केटायन एक्सचेंजर रेजिन, तो केटायन एक्सचेंजर रेजिन को हम कैसे लिखते हैं, तो केटायन एक्सचेंजर रेजिन को देखिए हम ऐसे लिखते हैं RH प्लस, इस तरीके से। केटायन एक्सचेंजर रेजिन कैसे लिखा जाएगा, RH प्लस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि R जो है इस पर नेगेटिव चार्ज लगा दिए हैं और H पर पॉजिटिव चार्ज है। तो वैलेंसी आप समझेंगे तो रिएक्शन लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये वैलेंसी का टर्म है। अब मान लीजिए कि आपके पानी में क्या है, आपके पानी में कैल्शियम सल्फेट है और ये यहां से पास कर रहा है, तो फिर से एक्सचेंज करके लिखिए, एक्सचेंज हो रहा है तो एक्सचेंज करके लिख लीजिए। तो देखिए ये इसका नेगेटिव पोर्शन है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव पोर्शन इसके नेगेटिव के साथ लिखिएगा और ये इसके साथ लिखिएगा। बस समझ में आ रही, देखिए ऐसे, ये नेगेटिव पोर्शन केटायन के साथ और ये हाइड्रोजन इसके साथ, ऐसे लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा ये, तो देखिए इसकी इसमें माइनस वन है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए CaR2 लिखा जाएगा। क्यों CaR2 लिखा जाएगा, देखिए कैल्शियम की वैलेंसी प्लस टू है और R निगेटिव है, तो Ca पहले लिखेंगे, पॉजिटिव पहले लिखा जाता है और ये जो माइनस प्लस टू है इसके नीचे आएगा,
वैलेंसी एक्सचेंज करके लिखी जाती है। तो ये प्लस टू है तो यहाँ नीचे लिखा जा रहा है, तो देखिए आर टू लिख रहा हूँ मैं इसे। ये अच्छा, ये क्या बन जाएगा बाकी का पोर्शन, तो बाकी का पोर्शन बन जाएगा H2SO4 ऐसा। तो इसको बैलेंस करने के लिए टू से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हो गया ये। ऐसे ही मान लीजिए, ऐसे ही मान लीजिए क्या है, ऐसे ही मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट है, देखिए बिल्कुल सेम होगा, बस यहाँ कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम आ जाएगा ऐसे, और H2SO4 फिर बनेगा, बस एक्सचेंज करके किया है मैंने। फिर देखते हैं RH, सपोज कर लीजिए कैल्शियम का क्लोराइड है पानी में, तो जब कैल्शियम का क्लोराइड है तो फिर से वही बात है, कैल्शियम को इसके साथ लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा CaR2 लिखा जाएगा एंड, और HCl इसके साथ लिखेंगे तो लिखा जाएगा 2HCl। इसको बैलेंस करने के लिए फिर से यहाँ पे 2RH लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर 2RH लिख लीजिए और मैग्नीशियम ले लीजिए फिर इस बार ऐसे। तो अब क्या बन जाएगा, इस बार मैग्नीशियम लेंगे तो ये मैग्नीशियम को बन जाएगा और क्या R2 हो जाएगा और फिर 2HCl आ जाएगा ऐसा। तो देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो आपका केटायन एक्सचेंज रेजिन है इसका जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है किससे, इस कैल्शियम से, यही तो हो रहा है। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होंगे, इस केटायन के साथ रुक जाएंगे, लेकिन आपका जो रेजिन है उस रेजिन से हाइड्रोजन लगातार निकलता जा रहा है, तो इसी हाइड्रोजन आयन को रीजनरेट करने के लिए क्या लगाया गया, एसिड लगाया गया है, क्लियर है। अभी देखेंगे रीजनरेशन का रिएक्शन बाद में देख लिया जाएगा। तो ये रिएक्शन कहां हो रहा है, ये रिएक्शन होगा इस केटायन एक्सचेंजर रेजिन में यहां पर। अब एनायन एक्सचेंजर रेजिन कैसा होगा, तो एनायन एक्सचेंजर रेजिन में क्या होगा, यहां पर जो एनायन एक्सचेंजर रेजिन होगा उसमें पाया जाएगा ऐसे हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाएगा, यानी उसका हाइड्रोक्साइड आयन एक्सचेंज करेगा। तो अगर उसका हाइड्रोक्साइड आयन एक्सचेंज करेगा तो हम कैसे रिएक्शन लिख सकते हैं, उस रिएक्शन को देखिए हम कैसे लिखेंगे। अब ये केटायन, ये केटायन के लिए हो गया, अब एनायन के लिए लिख रहे हैं, देखिए अब एनायन एक्सचेंजर यहां लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं रहेंगे आप लोग। एनायन EXCHEN CHANGER एक्सचेंजर रेजिन, उसका रिएक्शन क्या होगा, तो देखिए ROH लिखिए ऐसा, और यहां पर देखिए किसको एक्सचेंज करना है, देखिए सल्फेट आयन को या तो क्लोराइड आयन को, तो यहां सल्फेट आयन लिख दीजिए और क्या ऐसे, इसी को एक्सचेंज करना है। तो जब सल्फेट आयन एक्सचेंज यहां से किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहां पे देखिए कैसे ये है, यहां पर देखिए R प्लस है, ये R प्लस है और OH माइनस है, यानी एक प्लस पॉजिटिव है ये माइनस है ऐसे है। तो अब यहां पर जब लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका R2SO4 हो जाएगा, ये 2 जो है इसके साथ आ जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, या कैसे लिख सकते हैं ROH प्लस मान लीजिए क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन है इसको एक्सचेंज करना है। तो जब इसको एक्सचेंज आप करोगे तो कैसे लिख सकोगे, इस पर ही प्लस 1 चार्ज है, इस पर भी माइनस 1 है, तो RCl लिख दो और फिर OH अलग कर लो ऐसा, ओके। यानी यहां पर मैंने इनको तोड़ दिया आयनों में, देखिए H आयन में तोड़ दिया है और इसे सल्फेट आयन में ऐसे, और इसको मैंने क्या कर दिया है, H आयन में कर दिया है और Cl आयन में कर दिया ऐसे, उन्हीं सल्फेट और Cl को यहां पे लिया है। तो अगर पानी यहां से गुजरेगा, हार्ड वाटर यहां से गुजरेगा, तो जितना भी सल्फेट या क्लोराइड आयन है वो इसमें बदल जाएगा ऐसे और यहीं पर रुक जाएगा। तो अब पानी में नीचे क्या जा रहा है, अब देखिए पानी में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है और ये OH आयन यहां से बन रहा है, OH आयन ये OH आयन यहां बन रहा है ऐसा, और ये फिर मिलके क्या बन जाएंगे, H2O बना लेंगे पानी, तो ये पानी बन जाएगा यहां से। तो यही प्रोसेस यहां पे हो रहा है। अगर कोई गैस वैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड घुलित अवस्था में है या कोई और गैस है, तो वो यहां पे एब्जॉर्व कर लिया जाएगा ऐसा। अब रीजनरेट कैसे करेंगे, रीजनरेशन का क्या प्रोसेस है, तो रीजनरेशन के लिए यहां पर देखिए एसिड रखा गया है, इसको आप कर लें, अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट लें तो ले सकते हैं, मैं रुक जाता हूं 2 मिनट के लिए, फिर रीजनरेशन को मैं बताता हूं, ले लीजिए इसको, ओके। देखिए तो रीजनरेशन को भी लिखने जा रहे हैं यहां पर, देखिए अब रीजनरेशन क्या होगा, तो रीजनरेशन के लिए क्या कर दिया जाए, फिगर मिटा दें, फिगर ही मिटा देते तो हो गया फिगर का, चलिए अब रीजनरेशन बस देखना है, फिगर मिटा देता हूँ तो थोड़ा जगह हो जाएगा अपने पास, रिएक्शन का काम है क्योंकि इसी रिएक्शन से ही मैं आपको बताऊंगा, तो रिएक्शन नहीं हटा रहे इसलिए फिगर मिटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से, डस्टर से कर दो इसे जल्दी साफ।
ऐसे बच्चे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो क्या? देखिए चलिए अब देखिए रीजनरेशन देख लेते हैं। रीजनरेशन ऑफ केटायन एक्सचेंजर रेजिन, इसका रीजनरेशन कैसे करेंगे? पहले केटायन एक्सचेंजर रेजिन का, तो देखिए केटायन एक्सचेंजर रेजिन जो है किसमें बदल गया है? देखिए इसमें बदल गया है, इसमें, और इसको लाना किसमें? देखिए इसमें लाना है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, एसिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कौन सा एसिड कर सकते हैं? H2SO4 कर सकते हैं। तो यहां पर 2% H2SO4 का इस्तेमाल होता है, डाइल्यूट H2SO4। तो देखिए इसको बदलना है तो पहले इसको लिख लो CaR2, किसकी सहायता से? H2SO4 की सहायता से। ऐसा, अच्छा क्यों बदल रहे हो भाई, क्यों बदल रहे हो? क्योंकि ये बनाना थी तो बनेगा ही बनेगा, यानी क्या बनना चाहिए? RH+ तो बनना ही बनना है। तो यहां पर भी क्या किया जा रहा है? तो देखिए पॉजिटिव या निगेटिव पोर्शन है, ये पॉजिटिव या निगेटिव है, तो इसको इसके साथ लिखा गया है। देखिए ऐसा, और बाकी को किसके साथ लिख दिया जाएगा? यानी क्या लिख दिया जाएगा? CaSO4। ऐसा समझ में आपको आ गई? ऐसा कर रही। अब मैग्नीशियम अगर मान लीजिए MgR2 है तो बिल्कुल वही होगा, और क्या? अगर MgR2 है और फिर H2SO4 आपने लिया है तो फिर से वैसे कर लीजिए, और क्या? ये तो बनना ही बनना है, और ये मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, हो गया ऐसा। तो देखिए रीजनरेट हो गया, देखिए रीजनरेट फिर से बना लिया आपने। तो रीजनरेशन के लिए यही एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है, एसिड वाले टैंक में, इसीलिए हम लिखते हैं एसिड रीजनरेशन। अच्छा अब इसको भी एनायन को भी रीजनरेट करना है, तो अगर एनायन को करेंगे तो अगला हेडिंग रीजनरेशन, रीजनरेशन ऑफ एनायन एक्सचेंजर रेजिन। अब अगर इसको रीजनरेट करना है तो देखिए इसको रीजनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए ये हट गया, ये तो हो गया काम इसका। अब एनायन का काम है, देखिए तो इसको हटा देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। देखिए अब इसको रीजनरेट करते हैं। चलिए तो R2SO4 को बनाना है ROH में, यही ना भाई, क्या बन गया है? R2SO4 बन गया है। तो इसको ट्रीट किससे करिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। बनाना क्या है आपको? देखिए बनाना है आपको ROH, तो बना दो भाई, बना दो ROH, ऐसे बना दो, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा N2SO4, सोडियम का सल्फेट बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, और ये 2 हो जाएगा, ऐसे बैलेंस हो जाएगा। मान लो बनाना है आपको RCl से, तो ले लो RCl, फिर से रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो एल्कली टैंक में केमिकल लेते हैं उस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं? रीजनरेशन करते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये फिर से बन जाएगा ROH बन जाएगा, इस OH को R के साथ, तो Na को Cl के साथ, तो NaCl, ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस आप ऐसे लिख देंगे, केमिकल रिएक्शन भी लिखना होगा, बहुत ज़रूरी है केमिकल रिएक्शन लिखना। तो एक बार लिखेंगे कि केटायन के साथ कैसा रिएक्शन है, फिर एनायन एक्सचेंजर के साथ कैसा रिएक्शन है, तो ये 2 हो गया। फिर लिखेंगे केटायन एक्सचेंजर को कैसे रीजनरेट करते हैं, एनायन एक्सचेंजर को कैसे रीजनरेट करते हैं, इन सभी बातों को आप लिखेंगे तो ये काम आपका हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इसमें आता है कि इसका फिर से कि क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो इतना करने के बाद हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आपको बता दे रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने तो ले सकते हैं। आप इस प्रोसेस में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देख लें, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आता है तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पूछता है, तो ये भी आपको जानना चाहिए कि क्या इस प्रोसेस के एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर आप एडवांटेज देखेंगे तो पहला एडवांटेज ये है कि हाईली एसिडिक और एल्कलाइन वाटर कैन बी सॉफ्टेंड, यानी ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा एल्कली वाटर है तो उसको भी सॉफ्टेंड कर देगा, उसको भी क्या करेगा? हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में बदल देगा। तो ये पहला इसका एडवांटेज है। दूसरा
कि जो भी आपको वाटर मिलता है उसका जो हार्डनेस है बहुत ही कम आता है, क्योंकि कोई आयन बचता ही नहीं है तो हार्डनेस कहाँ से आएगा। तो दूसरा पॉइंट है वाटर ऑफ वेरी लो हार्डनेस इज प्रोड्यूस्ड, तो वाटर ऑफ वेरी लो हार्डनेस इज प्रोड्यूस्ड, तो ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनायन और कैटायन दोनों ही रिमूव हो जाते हैं। तो अगर किसी भी आयन के द्वारा जो है कोई कोरोजन हो रहा है तो वो कोरोजन नहीं होता है। तो यही प्रोसेस लिखा गया, यही बात को लिखी गई है कि एनायंस एज वेल एज कैटायंस आर रिमूव्ड, दस देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कास्टिक कोरोजन, यानी कास्टिक कोरोजन का कोई भी इसमें मतलब नहीं है, मतलब कास्टिक कोरोजन नहीं होगा क्योंकि कोई आयन ही नहीं है तो कैसा कोरोजन। डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज है कि आपका जो इक्विपमेंट है कॉस्टली है, महंगा है। दूसरा कि इसको इसमें जो केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं थोड़ा कॉस्टली है, तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है। और तीसरा ये है कि अगर पानी टर्बिड है, टर्बिड का मतलब धुंधला पानी, बहुत गंदा पानी है, तो ये क्या कर सकता है, ये इसकी इफिशियंसी को कम कर देगा। इफिशियंसी का मतलब क्षमता, इसकी मतलब क्या होती है क्षमता, क्षमता देखिए ऐसे लिखते हैं क्षमता, इसकी क्षमता को क्या कर देगा कम कर सकता है, इसकी एफिशिएंसी को कम कर सकता है। तो इसके तीन डिसएडवांटेज और तीन इसके एडवांटेज, तो इन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को भी देख के जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसमें आगे जो भी पोर्शन बचा हुआ है उसको जल्दी से एक या दो लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, फिर आपका फ्यूल स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपके सेशनल आने वाले हैं तो इसका जितना भी पढ़ा दिया सब रिविज़न में आपको डाल दूंगा मैं, तो उसको देखते रहेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।